चलते हैं, बात करते हैं कश्मीर काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर अली सरफराज साहब से, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी डॉक्टर अली सरफराज साहब, आप ये बताइए कि आज की ये जो प्रोटेस्ट है वो आपने किस तरह मैनेज की, क्यों की, और इसके पीछे क्या हकायक जो है वो मबनी है, आप अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली सरफराज है, मैं प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर काउंसिल का। हम देख रहे थे कि कश्मीर का मसला बहुत बेहस होता जाता है और स्टेज आ गई है कि लोग तकरीबन मेरे ख्याल में ऐसा हालात कैसे किए जाते हैं कि नाम भी लेना छोड़ दें। लेकिन अगर आप देखें तो कश्मीर की जो पाकिस्तान की जो शाहराह आ गया है वो कश्मीर है, सारे दरिया जो हैं वो कश्मीर से निकलते हैं। अगर इंडिया पानी बंद कर दे तो पाकिस्तान जो है वो बंजर बन जाएगा। इसके अलावा हमारा प्रॉब्लम ये नहीं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रही हैं इंडिया में, औरतों को रेप किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और ये जुल्म जो तशद्दुद किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो मोदी साहब अब आए हैं जो कि मतलब उनका एक्सट्रीमिस्ट व्यू है और गुजरात में काफ़ी मशहूर हैं जो कुछ उन्होंने किया है, उसकी वजह से ये है कि हमें डर है कि एक दफ़ा फिर कि ये जंग बंदी शुरू ना हो जाए। इसलिए हम ये क्या नाम है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अपील करते हैं कि वो मोदी साहब अब इधर आए हुए हैं, उनको कुछ याददाश्त दें कि कश्मीरियों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, और यूएनओ का जो मतलब वो जो उन्होंने यूएनओ का जो रेजोल्यूशन है कि कश्मीर में फ्री प्लेबोसाइट होना चाहिए, वहाँ ये इलेक्शन कराएं और कश्मीरियों को आज़ाद होने का मौका दें। कश्मीर काउंसिल ऑस्ट्रेलिया हमने इस्टेब्लिश की थी 1990 में। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये पार्लियामेंट है हमारे साथ ही, यानी पार्लियामेंट के बाहर खड़े हैं, ये न्यू साउथ वेल्स सिडनी में वाक़ है, और हम चाहते हैं कि स्पीकर को एक याद दहानी पेश की जाए। स्पीकर साहब जो हैं या स्पीकर साहिबा जो हैं वो पेश करें ये याद दहानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और या और पेश करें अपने स्पीकर नेशनल असम्बली जो है हमारी कैनबरा में, वहाँ पेश करें ताकि ये मोदी साहब को परसुएड करें कि वहाँ जाके यूनाइटेड नेशन के जो 48 के रेजोल्यूशन हैं उनके मुताबिक प्लेबिसाइट करवाएं, और ये जो कत्लेआम की मशीनें बना रहे हैं, ये एटम बम और इस किस्म के हथियार जो मौलक हथियार जो बिल्ड किए जा रहे हैं वो पैसे उठाएं, और ये जाके पैसे लगाएं लोगों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, हेल्थ के ऊपर लगाएं, और गुरबत के ख़िलाफ़ लड़ाई में लगाएं। कश्मीर की आवाम आज़ादी चाहते हैं, सुकून का सांस लेना चाहते हैं, इंडियन तसल्लत से आज़ादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ अलायंस चाहते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हिस्सा रहना चाहते हैं। हम अपनी न्यू साउथ वेल की पार्लियामेंट से ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे बंदे को प्रोटोकॉल दे रहे हैं जो कन्विक्टेड है, जो एक नॉमिनेटेड मुजरम है लाखों लोगों के कत्ल में, और आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और उनको ये बता देना चाहते हैं कि कश्मीर जो है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उसके अगेंस्ट हमारी ये आवाज़ है, और हम किसी भी तरीके से इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम हर फ्रंट के ऊपर मोदी का इंशाल्लाह पीछा करेंगे, और इंशाल्लाह कश्मीर उससे वापस भी लेंगे, और इंशाल्लाह कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। ऑल द पीपल हु फाइट फॉर द सेक्रेट काज ऑफ फ्रीडम आर कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स, नॉट एज ए टेररिस्ट। इफ यू कॉल देम टेररिस्ट, सो देयर इज अ डाउट ऑन द फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट ऑफ 1857 एज वेल। Regarding the Kashmir issue, UN take the lead stance to solve this problem, and UN did allow America within one day to attack on Afghanistan, and they can allow India to do a referendum in Kashmir as well. If India is not agree to do the referendum in the Kashmir according to the wishes of the people, then United Nations must impose trade barriers and must stop all the trades from India. And by doing this, they can impose their decision to do the referendum in Kashmir, so that people can live happily and peacefully. Kashmir, जो है मेरे ख्याल के मुताबिक एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और तमाम दुनिया को इसके हल करने के लिए
कोशिश करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि मुसलमानों के साथ वहाँ कुछ दूसरी लोग भी हैं, दूसरी अकलियतों के लोग हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी हैं, ईसाई हैं, तो उनके साथ भी वहाँ पर कुछ ज़्यादतियाँ होती हैं। तो ना कि सिर्फ मुसलमान बल्कि कश्मीर के जितनी भी आवाम हैं उनके लिए हम सबको लड़ना है, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है कि वो सबको साथ लेकर चलती है, वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती है बल्कि वो मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, जितने भी हमारे मज़हब हैं, सारे मज़हब हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि जब हम सारे मज़हब की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें अपना जो मुसलमान एक बहुत मेजॉरिटी में लोग हैं उनके लिए वो लोग भी हमारा तआवुन करेंगे। वी दी ऑस्ट्रेलियंस ऑफ कश्मीरी ओरिजिन रिक्वेस्ट योर ऑनर टू काइंडली फॉरवर्ड आवर प्रेयर टू दी ऑनरेबल स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हिज एक्सीलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया to kindly persuade His Excellency the Prime Minister of India to call an end to the human rights abuses in Kashmir and lay the foundation for peace by holding a free plebiscite in Kashmir as per UN resolutions of 1948. इस वक्त दुनिया में क्या चाहिए? अमन चाहिए, सुकून चाहिए। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। जैसे मोदी साहब कर रहे हैं वहाँ पे सरहदों के ऊपर हमारे लोग मार रहे हैं, हम भी इसका जवाब देना जानते हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर लेके रहेंगे, इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी वो दे रहे हैं, देते रहेंगे। और मैं सल्यूट करता हूँ कश्मीरी आवाम को, सल्यूट करता हूँ कश्मीरी गजूर आवाम और उन बहनों भाइयों को जिन्होंने आज़ादी के लिए, अपनी हकी खुदारियत के लिए हमेशा कुर्बानी दी और देते रहेंगे। कश्मीर में जो खिलंग हो रही है उसको बंद करनी चाहिए। और मोदी साहब को ये अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है और इस जुल्म को वो बंद करें। वी होप एंड प्रे दैट हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल नॉट ओनली रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट अगेंस्ट थ्रू पीसफुल मीन्स बट विल आल्सो लीड द सब कॉन्टिनेंट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑन वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज रादर देन बिल्डिंग मैस किलिंग मशीन्स। ये है हमारी याददाश्त जो हमने पेश की है for onward transmission to Prime Minister of Australia and Speaker Australian Parliament in Canberra. और आज हम इस ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हुए इस बात का इहाता करें कि हमें ये जितने भी मसाइल हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको डायलॉग्स के साथ, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ हल करना चाहिए। आप देख रहे हैं सच टीवी, राजा तासीर फ्रॉम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।